हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, यहाँ पे आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर बताने वाला हूँ। और आज है 21 अगस्त, तो आज ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स रहने वाली हैं। और दोस्तों, आज जो है सबसे पहले बता देता हूँ कि आज है HPU मैट का एग्ज़ाम, आज है BR का एग्ज़ाम और आज है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम। तो जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आना एग्ज़ाम अपना। ओके, जिनका भी एग्ज़ाम, चाहे वो BED वाले हों, HPU मैट वाले हों, चाहे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वाले हों, सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, चलिए आज की अपडेट देख लेते हैं जल्दी से। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में कोरोना के 155 नए केस, 401 हुए ठीक। मंडी में 55, चंबा में 26, कांगड़ा में 24, हमीरपुर में 15, बिलासपुर में 15, शिमला में 10, सोलन में 5, कुल्लू में 3, लाहौल स्पीति में 1, सिरमौर में 1। और बात करें कुल संक्रमितों की संख्या 211,432 और एक्टिव केस हैं 2,413। अब तक 205,448 जो है यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। ITI धारक युवाओं के लिए अप्रेंटिस करने का मौका, गुड़गांव की ARGL कंपनी करेगी 140 युवाओं का चयन। ITI शाहपुर में 25 अगस्त को कंपनी लगी कैंपस इंटरव्यू। तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में 25 अगस्त को दिल्ली की ARGL लिमिटेड कंपनी कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं को अप्रेंटिस का मौका देगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर नीलम रानी ने बताया कि इस कैंपस में साक्षात्कार में मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायों के ITI और 10वीं पास युवा भी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह कैंपस साक्षात्कार ITI शाहपुर में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ओके, तो प्लेसमेंट ऑफिसर अर्जुन कुमार ने बताया कि यह कंपनी 1995 में अस्तित्व में आई थी और इससे 1996 में से जो है मारुति सुजुकी के लिए रिंग गियर्स का निर्माण किया। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ दे रही कोरोना को न्योता, SOP का पालन नहीं कर रहे लोग, सामाजिक दूरी भी भूले। स्वास्थ्य विभाग ने सोलन और शिमला जिलों में सैंपलिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ रहे हैं। बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ और कोरोना नियमों का पालन ना करना प्रदेश में तीसरी लहर को न्योता दे रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। विभाग ने मंडी, चंबा, कांगड़ा के बाद अब शिमला और सोलन जिलों में भी सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए भी कहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट, बाकी ये तो मैं आपको यहाँ पे बता ही चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, आज होगी HPU EC की बैठक। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की शनिवार को बैठक आयोजित की जाएगी। कुलपति की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शोध कार्यों की समय सीमा बढ़ाने की UGC की अधिसूचना को लागू किए जाने को मंजूरी दी जाएगी। वहीं बैठक में इसके अलावा कुछ और अकादमिक मामले भी रखे जाएंगे। तो दोस्तों आज EC की बैठक देखते हैं क्या क्या इसके ऊपर फैसले आते हैं। बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को छात्र संगठन अपने मांग पत्र भी सौंप सकते हैं। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, आज येलो अलर्ट के बीच 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। तो भूस्खलन होने से शुक्रवार को जो है नाहन शिमला नेशनल हाईवे 2 घंटे बंद रहा। शुक्रवार को शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल बरसे। शनिवार को भी मध्य पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और शिमला में बाढ़ की चेतावनी जो है जारी की गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, छात्रवृत्ति के लिए सख्त हुए नियम, अब आधार प्रमाणीकरण होगा जरूरी। घोटाला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने कड़े किए आवेदन के नियम। आवेदन के लिए जल्द ही पोर्टल खोलने जा रहा है शिक्षा विभाग। तो छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने के बाद जो है प्रदेश सरकार ने आवेदन के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। आवेदनों को सत्यापित करने की प्रक्रिया बदल दी गई है। अब सत्यापन करने वाले अधिकारियों का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। केंद्र, प्रदेश और अल्पसंख्यक प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarships.gov.in खुलने जा रहा है। आवेदन और आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल संस्थान जिला नोडल अधिकारियों उनके आधारित जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए INO/DNO को NSP पोर्टल पर अपना आधार नंबर प्रदान करना होगा। L1 और L2 स्तर के अधिकारियों के आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा को NSP
पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है। प्रक्रिया के दौरान जारी एसओपी को INO DNO SNO के आधार पर नंबर के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। दोस्तों बैकग्राउंड नॉइस आपको आ रही होगी तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ओके। और बाकी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के सभी प्रमुखों, उच्च शिक्षा के उपनिदेशकों को इन निर्णयों पर उचित कार्रवाई शुरू करने का आग्रह यहाँ पे किया है, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, HPO मैट आज 10 केंद्रों में 1745 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। इसके साथ ही BEd का भी एग्ज़ाम आज है दोस्तों। ये यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्स हैं और आज 3 एग्ज़ाम हैं, तो आप सभी बताना कि आपका जो है, कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कौन सा एग्ज़ाम है, HPO मैट का है, चाहे MBA का है या BEd का है, ठीक है। सॉरी गलत बोल गया, HPO मैट का है या BEd का है, ठीक है, या फिर आपका कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम है, ठीक। कमेंट करके जरूर बताना और आप देने कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं, तो ये रही, CM पद से कुछ नहीं होता, कुछ कर दिखाने का होना चाहिए जज्बा। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग बोले, मैं अपनी जिम्मेदारी से खुश, मिलने वाले अवसर से करना चाहिए न्याय। आशा है 2024 तक कांग्रेस चुन लेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो CM से अक्टूबर में मिले अनुराग। दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में अब 30 अगस्त तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद, पहले 22 अगस्त तक बंद थे स्कूल। कोरोना की समीक्षा के बाद सरकार ने लिया फैसला, तो हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को जो है विद्यार्थियों के लिए 30 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। कोरोना महामारी की समीक्षा के बाद शुक्रवार को सरकार ने इस बाबत निर्देश जारी किए हैं और शिक्षकों और गैर शिक्षकों को पहले की ही तरह नियमित तौर पर स्कूलों में आना होगा। सरकार ने आवासीय स्कूलों को खुले रखने का फैसला लिया है। इन स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बनाए गए यहाँ पे SOP का पालन जो है करना होगा, ठीक है। और नियमों की अनदेखी करने वाले आवासीय स्कूलों के प्रभारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने बीते दिनों कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर 22 अगस्त तक स्कूल विद्यार्थियों के लिए बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन पिछले कल ही ये फैसला दोबारा से आया, मतलब नया फैसला आया और यहाँ पे 30 अगस्त तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय जो है लिया गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो प्रदेश में पर्यटक नहीं, शादियों से फैल रहा कोरोना, ये कहा है CM ने। तो प्रदेश मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर जी ने यहाँ पे कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सैलानियों के चलते नहीं बल्कि शादी समारोह में जुट रही भीड़ के कारण कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों में भी संक्रमण के मामले बढ़े हैं जहाँ सैलानी जाते ही नहीं हैं। पिछले दिनों जो शादियों का दौर चला उसमें कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हुई है। सराज की एक पंचायत में 49 मामले सामने आए हैं, इसका कारण शादी में भारी भीड़ उमड़ना था। चंबा में भी इसी कारण बढ़ रहे हैं मामले। उन्होंने बंदिशें बढ़ाने के दिए निर्देश यहाँ पे संकेत दिए हैं और बता दो दोस्तों कि यहाँ पे 24 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में, तो उसके ऊपर दोस्तों और ज़्यादा फैसले जो हैं, और ज़्यादा बंदिशें जो हैं इसके ऊपर कैबिनेट की मीटिंग में यहाँ पर लग सकती हैं। 24 को कैबिनेट मीटिंग है, तो देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर फैसले होते हैं, ओके। चलिए दोस्तों अभी हम देख लेते हैं जो आपके कुछ और क्वेश्चन थे, तो एक दो क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं यहाँ पे। तो HPO ये तो बता दिया, क्या UG डेट शीट चेंज होगी? नहीं दोस्तों, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट किसी का अगर क्लैश है पेपर तो वो ट्राई कर लो, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं क्लैश में तो वो ईमेल कर दो HPO को, शायद हो जाए, ओके। इसके अलावा HPO PG एग्ज़ाम्स कब होंगे? तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि HPO PG एग्ज़ाम आपके सितंबर में कहा है कि होंगे, ठीक है। तो सितंबर में आपके एग्ज़ाम PG के हो सकते हैं, ओके, PG के एग्ज़ाम। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेता हूँ, HPTU ने जो है डेट शीट जारी की है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ओके। तो ये रही दोस्तों HPTU हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की फाइनल वाली डेट शीट UG PG कोर्सेज के लिए, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ UG के और पोस्ट ग्रेजुएट के हैं फर्स्ट और सेकंड के, ओके। तो ये आप यहाँ पे देख लो, और हाँ इसका PDF अगर आपको चाहिए है तो आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी HPTU वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स, क्योंकि आपको इसी तरह की अपडेट्स फिर मिलती रहेंगी, ओके। तो ये सभी की डेट शीट है दोस्तों यहाँ पे,
एमएससी एबीएस की है, फिर ये है एमएससी फिजिक्स की डेट शीट, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ना, सभी की सभी डेट शीट दोस्तों यहाँ पे बताई गई हैं। टोटल कितनी है, 23 और 24 दोस्तों, 24 डेट शीट है। तो आप देख लेना आपकी कौन सी है से, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ये मैंने पहले अपलोड कर देनी थी, बट ऐसा हो कि मैंने पहले से ही 2-3 वीडियो में अपलोड कर चुका था, तो अगर इसको करता इसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचना था, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम पे, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा थोड़ी देर में इसको, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके जो बताना है कि आपका कौन सा एग्ज़ाम है, और जब एग्ज़ाम दे के आ जाओगे तब फिर से कमेंट कर देना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है, और किस चीज़ का एग्ज़ाम था आपका, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।